रामायण श्री राम के अनमोल उपदेश भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। उन्हें 14 साल के वनवास पर भेज दिया गया। रावण ने श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और लंका ले गया। इसके बाद श्री राम ने रावण के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। उन्होंने देवी दुर्गा की 9 दिनों तक लगातार पूजा की और रावण को हराने के लिए उनसे वरदान प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने शुक्ला दशमी के दिन रावण का वध किया था। इस दिन तक हम अपने प्रिय भगवान श्री राम का सम्मान करने के लिए नवरात्रि और दीपावली मनाते हैं। रामायण की रचना सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तब से विभिन्न लोगों ने विभिन्न भाषाओं में रामायण की रचना की है, जिसमें तुलसीदास की रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। जैसे वेद शास्त्रों ने मनुष्यों को जीवन एवं प्रकृति का ज्ञान प्रदान किया है, वैसे ही रामायण महाकाव्य ने युगों युगों तक मनुष्य जाति को एक मर्यादित आदर्श मनुष्य होने का ज्ञान प्रदान, जीवन में किसी भी परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाना उचित होता है, ये हमें प्रभु श्री राम के विचारों से सीखने को मिलता है। भगवान श्री राम जी के अनमोल वचन मनुष्य धर्म और उनके कर्तव्य को दर्शाता है। अगर सभी मनुष्य श्री राम जी के वचन पर चले तो ये घोर कलयुग व सतयुग बन जाएगा। हम इस लेख में आपको रामायण में वर्णित भगवान राम जी के अनमोल वचन से अवगत करवाने लगे हैं, इसलिए लेख को अंत तक पढ़ें। भगवान श्री राम के उपदेश 1। पहला उपदेश श्लोक। तु दुर्लभन ही सदा सुख। भगवान राम जब अपने पिता दशरथ जी को टूटा हुआ देखते हैं, तब प्रभु राम माता कैकेयी से कहते हैं कि अगर इस जीवन में अगर कोई मनुष्य सदैव खुश रहना चाहता है तो वह ब्रह्म में है, क्यों सुख और दुःख दोनों ज्वर और भाटी की समान आना जाना लगा रहता है। इसका भाव ये है कि सुख दुःख चिरस्थायी जीवन में चिरकताए नहीं है। एक ज्ञानी और धर्म परायण व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता। 2. ग्रेटर दैन दूसरा उपदेश ग्रेटर दैन रामो द्विनाभिभाषते। रघुकुल नीति सदैव अपनाए, जान चली जाए लेकिन वचन न जाए। पिता ने जो वह वचन दिया क्यों न हो, मेरा धर्म और कर्तव्य है कि मैं अपने पितृदेव के हर वचन को पूरा करूं। एक बार राम ने वचन दे दिया तो पीछे नहीं हटता। इसका अभिप्राय यह व नहीं, अगर हम किसी को वचन दे तो उससे पूरा करना हमारा धर्म है। 3. ग्रेटर दैन तीसरा उपदेश न सुप्रीत कर तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृत। जब ऋषि वशिष्ठ जी और भरत जी राम जी को वन में वापस लेना जाते हैं, तब श्री राम जी यह श्लोक के माध्यम से राम जी कहते हैं कि कोई वह संतान अपने माता एवं पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकता, चाहे वह अपने माता पिता के लिए कितना वह श्रेष्ठ कार्य क्यों न कर दे, वह कभी इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता को कष्ट देना परमेश्वर को कष्ट देना के समान है। 4. चौथा उपदेश सैड फेस लक्ष्मी चंद्राद्यो यादवा हिमवान वा हिमन त्यजय अति याद सागरों वेला न प्रतिज्ञा मा पितु। इस श्लोक के माध्यम से प्रभु श्री राम ऋषि वशिष्ठ जी को कहते हैं कि चंद्र अपनी शोभा छोड़ सकता है, गिरिराज हिमालय हिमपातहीन हो सकता है और सागर अपना तट बदल सकता है, लेकिन मैं अपने माता पिता के वचनों का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार माता के मुख से माँ सरस्वती बच्चे के अंदर ज्ञान का बीज अंकुरित करती है और पिता के रूप में स्वयं श्री हरि नारायण अपने बच्चे का ललन पालन करती है। 5. पांचवा उपदेश जो उद्विजन्ते यथा सपर्ता नराद्वित्य वादिन। जब ऋषि जाबाली ने
राम जी को अयोध्या वापस भेजने के लिए एक अज्ञानी भाटी तर्क दिया। तब श्री राम ने श्लोक के माध्यम से कहा कि जैसे एक विषैला सर्प को देख लोग भयभीत हो जाते हैं, उसी तरह लोग एक मिथ्यावादी व्यक्ति को देख डर जाते हैं और मिथ्यावादी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। सत्य ही धर्म है और धर्म का पालन करना एक मनुष्य का कर्तव्य है। एक सत्यवादी पुरुष कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता है, सत्य में ही उसका जीवन निहित रहता है। छठा उपदेश, जु कुलीन कुलीन वा वीर पुरुष मानिन, चारित्र में व्याख्याति शुचिम वा यदि वा शुचिम। इस श्लोक में श्री राम ऋषि ज्वाली से कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र यह निर्धारित करता है कि मनुष्य अकुलीन है ये कुलीन, कपटी है या सज्जन, वीर है यह वीर, यह उसका केवल उसको मर्दानगी पर गर्व है। मनुष्य के विचार एवं चरित्र से उसका पूर्ण परिचय मिलता है। निष्कर्ष, वैसे तो प्रभु श्री राम जी का हर वचन मनुष्य के जीवन में अति कल्याणकारी है। उन सभी वचनों में एक वचन है जो मनुष्य को धर्म के प्रति बहुत तेजी से अग्रसर करता है। इन वचनों में ज्यादातर माता पिता के महत्व का वर्णन किया है।